हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेकर, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से SSR की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसकी डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अप्लाई का डेट क्या रहेगा। फ्रेंड्स, ये फॉर्म आपका 13th of May यानी 13 मई से स्टार्ट होगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 27th of May रहने वाला है। बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 27th of May। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम बाद में बहुत ज़्यादा गैदरिंग की वजह से सर्वर इशू हो जाती है, तो जितना जल्दी हो सके 13 मई के बाद आप इलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो फॉर्म अप्लाई कर देना। फॉर्म अप्लाई करते वक्त चार्जेस आपको 550 रुपीज़ लगने वाले हैं। ऑल कैटेगरी के लिए सेम ही फॉर्म फी रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें अगर, तो 1 नवंबर 2003 मतलब बॉर्न बिटवीन 1 नवंबर 2003 to 30 अप्रैल 2007। जिन भी कैंडिडेट का जन्म 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 के बीच हुआ है, सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। इस पोस्ट के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, वैसे तो आपका 12th विथ साइंस स्ट्रीम है, जैसे कि 12th में आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। साथ ही साथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट यानी कि इन दोनों के साथ मैथ फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर मैथ फिजिक्स के साथ आपका बायो है, मैथ फिजिक्स है उसके साथ कंप्यूटर साइंस है, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा किया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल से, ऑटोमोबाइल से, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी से भी आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहोगे। आगे देख लेते हैं कि व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस पोस्ट। सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 3 स्टेज से आपको यहाँ पर गुजरना होगा। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CVT विच मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पास आउट करना होगा। देन होता है आपका PFT यानी फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाएगा। देन आपका मेडिकल प्लस साथ ही साथ में ना DV यानी आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा कि आपने जो सब डॉक्यूमेंट्स अपने बारे में जो भी जानकारी अपलोड की है क्या वो सही है, आपके डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। ये सब पास करने के बाद आगे आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर ऑन जॉब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अभी हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को और भी डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितना आएगा। फ्रेंड्स, पोस्ट आपका 3500 से लेके 4000 के बीच में रहेगा। मतलब ये कुछ अभी कंफर्म नहीं किया गया कि टोटल इतना सीट पे अभी वैकेंसी आई है। 3500 से 4000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 3600 पोस्ट आ सकता है, 3800 आ सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि वैकेंसी अच्छे खासे नंबर पर आएगी और आपको एक सीट अचीव करना है। चलिए आगे अब हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस को डिटेल वे में समझ लेते हैं। एट फर्स्ट स्टेज आपको पता है कि ऑनलाइन आपका पेपर होगा, उस पेपर में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 100 मार्क्स। इससे क्लियर ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे। समय रहता है 60 मिनट यानी कि 1 आवर का आपका पेपर होगा एंड निगेटिव मार्किंग इज 1/4 विच मीन्स 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूँ ना, तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे 25 मार्क्स के लिए, साइंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, एंड लास्टली जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। ये क्वालिफाई करोगे तो PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास करना होगा। तो चलिए अब उसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बताऊंगे। सबसे पहले तो आपका हाइट मेजरमेंट होता है, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली बताया गया कि हाइट मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके थॉरो आउट रीड करना चाहते हो तो वो मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल आपने देखा कि हाइट आपका 157 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद स्क्वैट्स यानी कि उठक बैठक लगाना होता है
मेल कैंडिडेट को 20 उठक बैठक लगाने होंगे और फीमेल्स को 15 उठक बैठक लगाना होगा। पुशअप सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 12 पुशअप रहेगा और बेंट नी सिर्फ फीमेल्स के लिए है तो उनको 10 बेंट नी लगाने होंगे। लास्टली आपका रनिंग का टेस्ट होगा, दौड़ कराया जाएगा जो कि 1.6 किलोमीटर का होता है। मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट मतलब 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना है एंड 8 मिनट यानी 8 मिनट में फीमेल्स को कंप्लीट करना है। इसको क्वालिफाई करोगे तो मेरिट लिस्ट में आएगा आपका नाम, फिर आपको सर्व करना होगा ऑन जॉब ट्रेनिंग। मैंने आपको बताया, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ना क्लियरली एक आपको मेंशन कर दिया गया कि नवंबर 2024 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं ये प्रोसीजर कितना फास्ट चलने वाला है। तो आपका जो ट्रेनिंग होगा ना INS चिल्का यानी कि उड़ीसा में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे खुशी की बात इसमें ये होती है ना कि आप जैसे ही ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं सैलरी आपको सेम मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी मिलता है, वैसे ही ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपको मिलती है। अब सैलरी क्या मिलती है, देखिए फ्रेंड्स 30,000 से शुरुआत होती है और आपको पता है कि अग्निवीर के तहत वैकेंसी कराई जाती है, 4 साल के लिए रहेगा। तो लास्टली 30,000 से बढ़ेगा अगले साल, फिर लास्ट ईयर जो फोर्थ ईयर होता है उसमें आपको 40,000 मिलता है। इसके साथ आपको और भी बहुत सारे पर्क्स अलाउंसेस है, छुट्टी वगैरह का भी है, लाइफ इंश्योरेंस, सारा डिटेल ना इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो एक बार उसको डाउनलोड करके पढ़िएगा जरूर, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आई होप अभी इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपकी सारी क्वेरी, सारा जो भी कंफ्यूजन था क्लियर हो गया होगा। अब भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन है, बेझिझक वहां पर पूछ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो करना बनता ही, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइए ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।